हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर नंबर 9, लीनियर इक्वेशंस, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ओके, सो स्टूडेंट्स, थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ओके, सो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो द नंबर इज रिटन, द टर्म्स इज रिटन इन बोथ न्यूमरेटर एंड वेरिएबल टर्म्स, मींस 2x, 3x, 4xy, 5x plus 2, 5a plus 6b, okay, this is all the algebraic expressions, this is examples, okay, so I think सभी को समझ में आ गया होगा इस बात को। so first question start करते हैं 9.1 का। Write all the terms of the algebraic expressions given below. variable terms, पहला आपको जो questions algebraic expressions दी गई है 3x plus 5y minus 7 है, okay? So terms जो हैं हमारे वो हो जाएंगे terms, is goes to first terms is 3x, सेकेंड टर्म्स इज 5y एंड माइनस 7, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आई थिंक ठीक तो हैं हम, हाँ ओके। सो टर्म्स इज 3x, 5y एंड माइनस 7, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2/3 इंटू एक्स, ठीक है। सो टर्म्स इज, देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें अगर, तो इसको ऐसे 9x स्क्वायर लिख दें और इसको माइनस 4xy लिख दें और इसको 2/3x ऐसे नोट कर दें, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ठीक है भाई, मैंने जो ये मल्टीपल फॉर्म है 4xy का, उसको 4xy ऐसे नोट कर दिया मल्टीप्लाई, भाई जो यहाँ पे अंडरस्टूड साइन क्या होगा मल्टीप्लाई का तो होगा, ठीक है। तो 2/3x, ओके, सो टर्म्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 4xy एंड 2/3x, ठीक है। सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर बी इज, राइट द न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशियंट इन दी एलजेब्रिक टर्म्स गिवेन बिलो, ठीक है। सो न्यूमेरिकल एंड लिटरल कोफिशियंट बताना है हमें, तो 4xy स्क्वायर में न्यूमेरिकल, numerical न्यूमेरिकल कोफिशियंट एंड लिटरल कोफिशियंट, literal लिटरल कोफिशियंट। सो न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिक वैल्यू तो पता ही होगा, नंबर मीन्स न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या है हमारा 4, एंड लिटरल कोफिशियंट मीन्स वेरिएबल, तो लिटरल कोफिशियंट इज एक्स वाई स्क्वायर, ओके। ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, m और n, यहाँ देखिए 1 क्या है, अंडरस्टूड है, 1 का मल्टीप्लाई करा दें mn में, कोई इफेक्ट होगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं होगा सर। तो न्यूमेरिकल कोफिशियंट इज 1 एंड लिटरल कोफिशियंट इज mn, ओके। सो थर्ड नंबर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, इसको हम ऐसे भी तो बेटा नोट कर सकते हैं, माइनस 3/4x,
डिवाइड वाला मतलब फोर डिनोमिनेटर ही में तो होता है ना, ठीक है। सो इसमें न्यूमेरिकल कोफिशियंट इज, न्यूमेरिकल कोफिशियंट इज इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन फोर एंड लेटरल कोफिशियंट लेटरल कोफिशियंट इज एक्स। ओके सो आई थिंक सभी को ही समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके सो अब क्वेश्चन नंबर सी में जो है आपको वो एक्स का कोफिशियंट बताना है किसी पर्टिकुलर टर्म्स का। जैसे यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल और लेटरल कोफिशियंट बताने थे, यहाँ पर आपको सी नंबर क्वेश्चंस में, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं पहले, सी नंबर क्वेश्चंस में आपको एक्स का कोफिशियंट बताना है। तो एक्स को छोड़ के एक्स के साथ जितने टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं वो सारे उसके क्या होंगे, कोफिशियंट। एक्स को लीव करके जितने भी टर्म्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है वो सब क्या होंगे, एक्स के कोफिशियंट। जिसका भी कोफिशियंट पूछा जाएगा, अगर वाई का पूछते तो वाई को छोड़ के जितने भी टर्म्स हैं वो होते, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर एक्स वाई, सो कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिखें, कोफिशियंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स को जो है सर्किल में क्लोज कर दो, बचे कौन से दो टर्म्स, एक्स और वाई, सॉरी फोर और वाई, सो कोफिशियंट ऑफ एक्स इज फोर वाई। ओके सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स वाई जेड इन एट एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड का कोफिशियंट बताना है, ठीक है। सो कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, सो एक्स वाई जेड, देखिए वाई डबल बार है, मीन्स इसको ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं, एट एक्स वाई इंटू वाई इंटू जेड। ओके सो एक वाई एक्स वाई और जेड हमने ऐसे तीन सर्कल में क्लोज कर दी, बचे कौन से दो टर्म्स, एक्स और वाई, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड इज एट वाई। ओके सो आई थिंक सभी को समझ में इतनी बात आ गई होगी। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, बाकी के लास्ट थ्री क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। थर्ड फिफ्थ और सिक्स आपका होमवर्क हो जाएगा। तो माइनस फाइव जेड वाई इन थर्टी एक्स जेड स्क्वायर जेड क्यूब वाई स्क्वायर। ओके सो क्या करेंगे, माइनस फाइव जेड वाई का सिर्फ बनाना है, माइनस फाइव जेड वाई, सो कोफिशियंट ऑफ माइनस फाइव जेड वाई इन थर्टी एक्स जेड क्यूब वाई स्क्वायर इज, तो इसको देखिए क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे फाइव जेड और वाई के टर्म्स में, ठीक है। तो थर्टी के अगर फैक्टर करेंगे तो सिक्स इंटू फाइव के फॉर्म में ब्रेक होगा, ठीक है, सिक्स फाइव से थर्टी एंड एक्स जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू वाई इंटू वाई। ओके और देखिए माइनस भी लाना है, माइनस भी लाना है, ठीक है। सो भाई आप तो हमको प्लस कर दिया गया, मतलब दो साइन माइनस के हमको लगाने पड़ेंगे, एक इधर लगाना पड़ेगा और एक ब्रैकेट के अंदर लेना होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ओके सो ये तो हो गए माइनस फाइव जेड एंड वाई, इसका तो हमको कोफिशियंट बताना है। रेस्ट ऑफ द टर्म इज एक ये माइनस विथ साइन सिक्स एक्स, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं नीचे, एक्स जेड इंटू जेड इंटू वाई। ओके तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स जेड स्क्वायर वाई। ओके माइनस सिक्स एक्स जेड स्क्वायर वाई। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी और नॉर्मल सा है सब कुछ। ओके सो एक क्वेश्चन और इसका डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, राइट द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन बिलो, ठीक है। सो एक मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल की प्रॉपर्टी पता कर लेते हैं, ठीक है। सो
मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल एंड पॉलीनोमियल। मोनोमियल हैज ओनली वन टर्म, ओके, ओनली वन टर्म्स मीन्स एक्स, फाइव एक्स, सिक्स एक्स वाई, ए बी सी डी, ठीक है, 56 एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब, जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए कोई भी टर्म्स जब तक मल्टीप्लाई में होता है, जैसे 5x, 5 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो जब तक मल्टीप्लाई का साइन है वो मोनोमियल्स में काउंट होगा। 6xy, देखिए तीनों टर्म्स के बीच प्लस का साइन है, मोनोमियल्स। ए बी सी डी, ऑल फोर वर्टिकल्स सॉरी वेरिएबल टर्म्स के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल्स। 56x स्क्वायर, वाई क्यूब, जेड स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो बी, ओके। एंड बाइनोमियल्स इज हैज ओनली टू टर्म्स, बाय जैसे कि नाम ही से पता चल रहा, बाई मतलब दो, ठीक है, मीन्स 5x प्लस वाई, ए प्लस बी, 5x प्लस 7y, ओके, 3ab माइनस 4cd, ठीक है। देखिए ये सब तो आपको समझ में आ रहे होंगे, ये भी देख लेते हैं भाई, 3ab के बीच में कौन सा साइन है, वन मल्टीप्लाई का, तो दिस इज वन टर्म्स, एंड माइनस लग गया, दिस इज अनदर टर्म। प्लस और माइनस का जैसे ही साइन बिटवीन आ जाता है ना टर्म्स के बीच में, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे वन टर्म्स और माइनस का साइन आ गया, वन टर्म्स, टोटल टर्म्स टू, ठीक है। ट्राइनोमियल हैज ओनली थ्री टर्म्स, मीन्स एक्स प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है, ऑल थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ओके, एंड 5a माइनस 6b प्लस 7c, ओके, ये दो एग्जांपल्स बता दी, बहुत हैं। पॉलीनोमियल हैज मोर देन, हैज मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है, तीन से ज़्यादा टर्म्स होंगे, जैसे 2a प्लस 3b माइनस 4c माइनस 5d, फोर टर्म्स हैं या इससे और भी ज़्यादा टर्म्स हैं, तो ये पॉलीनोमियल्स में होंगे, थ्री टर्म्स से देखिए ज़्यादा टर्म्स हैं, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आ गई होगी, तो एक बार डी नंबर क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और वीडियो भी चूंकि ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो राइट द टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो फर्स्ट इज, देखिए फर्स्ट में टोटल कितने टर्म्स हैं सर, 1, 2 and 3, सो दिस इज ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन इज -2m प्लस 5n प्लस 6m स्क्वायर प्लस n क्यूब, देखिए सभी ये m है और ये m स्क्वायर है और सभी डिफरेंट हैं, कोई सॉल्व नहीं होगा, तो दिस इज पॉलीनोमियल्स, पॉली NOMI पॉलीनोमी ALS पॉलीनोमियल्स, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर अब तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। और बेटा एट्थ क्लास का जो व्यूइंग और होमवर्क का जो स्टेटस है बहुत पुअर है, ठीक है, सो कहने का मौका ना दें, पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालें, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।